आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ साथियों आप सब अच्छे होंगे और आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आज की बात हम प्रारंभ करेंगे। मित्रों, जलवेत्स, जलवेत्स एक महान औषधि है, ना केवल आयुर्वेद में बल्कि यूनानी और होम्योपैथी में भी इसका मदर टिंक्चर बनाया जाता है। और इसका साइंटिफिक नेम अगर हम कहें तो सेलिक्स टेट्रास्पर्मा के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। सेलिकेसी कुल का ये प्लांट है। नेचुरली साथियों सेलिसिन के घटक इसके अंदर पाए जाते हैं, सेलिसिन एसिटाइल सेलिसिलिक एसिड, जो कि नेचुरल एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक पेन किलर का कार्य करता है। मित्रों, सेलिक्स टेट्रास्पर्मा इसको हमने कहा है, इसके लीव्स के ऊपर आप हल्के हल्के फाइब्रस ग्रोथ देख पा रहे होंगे और उसके अंदर जो सीड होता है वो भी उसकी एक पहचान होती है। टेट्रास्पर्मा के अंदर 4 सीड पाए जाते हैं और फ्रूटिंग स्टेज में जब ये आएगा तब आप इसको देखेंगे। इसकी जो छाल होती है, स्टेम की छाल का मदर टिंक्चर बनाया जाता है और उस मदर टिंक्चर का उपयोग मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के हॉर्मोन्स को ठीक करने के लिए उपयोग में आता है। मेल में इम्पोटेंस की समस्या होती है, इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, उसको हील करने का कार्य करता है। और फीमेल में मेंस्ट्रुएशन के समय जो ओवरीज में पेन होता है उससे निजात दिलाने के लिए उसको हम उपयोग में लाते हैं। मित्रों, क्या आपने सोचा है कि हमने इसको जलवेत्स क्यों कहा? जलवेत्स का मतलब है कि जल के समीप इसका ग्रोथ देखने को मिलता है। गंगा जी के किनारे घाट पर आप इसको देख पा रहे होंगे। ये जल में नहीं लगा हुआ है लेकिन जल के समीप लगा हुआ है, इसीलिए इसको जलवेत्स कहते हैं। सभी प्रकार के मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की औषधि है। अगर आपको पेन हो रहा है, आर्थराइटिस का पेन हो रहा है, स्पाज्म हो रहा है, तो आप इसके पत्र का पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं। हर प्रकार के स्पाज्म को दूर करने वाला होता है। मदर टिंक्चर इसकी छाल से बनाया जाता है। यूनानी में भी महान औषधि है। इसका हम लोग कई प्रकार के खमीराज को बनाने में उपयोग में लाते हैं। साथियों, आयुर्वेद में शोधन की दृष्टि से विशेष उपयोग किया जाता है। ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए इसको हम उपयोग में लाते हैं। इन्फ्लामेशन या सूजन को कम करने के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है। अगर जॉइंट पेन हो, संधि शूल हो, ये वात के कारण हो सकता है, आम वात के कारण हो सकता है, उस सब के निवारण के लिए आप इसकी छाल का डिकॉक्शन पीते रहिए और पत्र का पेस्ट बनाकर पुल्टिस बांध दीजिए, ड्रेसिंग कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि सभी प्रकार के संधि शूल में अच्छा लाभ करते हुए इस प्रकार की समस्या को ठीक करता है। मित्रों, पित्त और कफ दोनों के समन के लिए इसको हम उपयोग में लाते हैं। नेचुरल पेन किलर या एस्प्रिन का सब्स्टिट्यूट आप इसको कह सकते हैं। ब्लड थिनर का ये कार्य करता है। इसकी जड़ हम निकाल कर अगर सेवन करते हैं तो पेट के कीड़ों को दूर करने का कार्य करता है। यूरोलिथियसिस की समस्या होती है उसको भी ठीक करने का कार्य करता है। शरीर के अंदर कहीं सूजन हो गई है जिसका कारण अगर हमें नहीं पता है, एम्बिगुअस पेन हो रहा है, तो उसको भी दूर करने के लिए आप इसको उपयोग में ला सकते हैं। जलवेत्स महान औषधि है। कई सारी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में इसका उपयोग हम करते हैं। कटिंग के माध्यम से आसानी से हो जाता है और आप इसको अच्छे गुणों के लिए अच्छे से आइडेंटिफाई कर लीजिए ताकि आप इसको अपने स्वास्थ्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए उपयोग में ला सकें। साथियों, कमर में दर्द हो रहा है या फिर आप लंबे समय तक बैठ नहीं पाते हैं तो आप इसके पत्र का पेस्ट बनाकर ड्रेसिंग कर दीजिए, कमर का दर्द भी ठीक हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि ये हार्मोन से जुड़ा हुआ है, हार्मोनल डिसरेगुलेशन के कारण या मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटीज के कारण हो रहा है, तो आप इसकी छाल का डिकॉक्शन बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। और अगर छाल ना प्राप्त हो तो आप पत्र का डिकॉक्शन बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। समान गुणवत्ता इसकी होती है। इस प्रकार से हाईली इफेक्टिव मेडिसिनल प्लांट है। एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, यूरोलिथियेटिक प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, सभी प्रकार को ठीक करने का अच्छा कार्य करता है। हमारे नेचुरल पित्त और कफ के समन में विशेष सहायक होता है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल के माध्यम से या कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी को ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोग इस जानकारी से लाभ प्राप्त कर सकें।
इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल सुबह 6:30 बजे फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ, नए समाधान के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।